देखिए चैप्टर फाइव की मिसलेनियस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, देखिए 3x² - 9x + 5 होल पावर 9। तो इसको हमें y = मान लेते हैं, y = हो गया 3x² - 9x + 5 होल पावर 9। तो ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो dy और dx बनाएंगे बल पावर के अकॉर्डिंग। तो ये 9 और 3x² - 9x + 5 और पावर रही 8। फिर dy/dx ब्रैकेट के 3x² - 9x + 5। तो dy/dx और 9 3x² - 9x + 5 की पावर 8 और इसका हो जाएगा 2 3 6x माइनस के 9x का हो जाएगा -9 और 5 का हो जाएगा। क्यों जो ब्रैकेट का करेंगे तो पावर के अकॉर्डिंग में बढ़ेगा, 2x 3 6x हो जाएगा, -9x 9 हो जाएगा, 5 का 0 रहेगा। अब देखिए यहाँ 3 कॉमन आ सकता है हमारा, यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो dy/dx 9 × 3 और ये रहेगा 3x² - 9x + 5 की पावर 8 और 3 कॉमन लिया था हमने तो 3 2 6 3 3 9। तो dy/dx 9 3 27 और 3x² - 9x + 5 होल पावर 8 और 2x - ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। इसके बाद करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन क्या है, sin 2x + cos 6x। तो इसको y = मान लेते हैं, y = मान लिया हमने sin 2x + cos 6x। फिर ऑन डेरिवेटिव ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो dy/dx sin 2x करेंगे तो पहले पावर के अकॉर्डिंग कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 3 sin²x। फिर करेंगे हम साइन एक्स का तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। इसलिए इसको करेंगे हम पावर के अकॉर्डिंग, तो कॉस की पावर 6x है तो पहले 6 cos की पावर 5x हो जाएगा। फिर करेंगे हम cos x का तो -8 sin x हो जाएगा। तो dy/dx कितना आया 3 sin²x × cos x + −6 cos की पावर 5x into sin x। यहाँ से आप sin x cos x कौन भी ले सकते हैं, 3 sin x cos x dy/dx 3 sin x cos x कॉमन लेंगे हम तो यहाँ sin x बचेगा और 3 + 6 cos की पावर 4x बचेगा, ये हो गया dy/dx। अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है 5x की पावर 3 cos 2x।
तो फिर इसको हमने y इज इक्वल टू सपोज किया 5x की पावर 3 cos 2x ऑन टेकिंग log बोथ साइड तो log y इज इक्वल टू ये हो जाएगा log m की पावर n हो जाएगा, log m की पावर n क्या होता है n log n, तो ये हो जाएगा हमारा 3 cos 2x into log 5x। अब ऑन डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड तो log y का 1 upon y हो जाएगा, y का dy और dx हो जाएगा, इसमें u इंटू वीरो हो जाएगा, u तो लोगों ने बाहर निकाल लिया, cos 2x का माइनस के sin 2x हो जाएगा और 2x का करेंगे इंटू 2 जाएगा इंटू log 5x। तो log का करते हैं तो 1 upon x हो जाता है, तो 1 upon 5x फिर log x का होगा 1 upon 5x, तो हम 5x का करेंगे तो इंटू 5 हो जाएगा, अगर मैं log x का किया तो 1 upon 5x, 5x का किया तो इंटू 5 और इंटू 3 cos 2 x 3 cos 2x तो dy और dx y इधर आ जाएगा 3y हो जाएगा और ये माइनस के 2 sin 2x इंटू log 5x, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 3 अपॉन x इंटू cos 2x हो जाएगा। अब हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो dy ओवर dx y की वैल्यू कितनी हमारी 5x इसकी पावर 3 cos 2x माइनस 2 sin 2x इंटू log 5x प्लस 3 अपॉन x इंटू cos 2x। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 देखिए, साइन इनवर्स x रूट x इसका आपको डेरिवेटिव करना है, तो फिर हम इसको y इज इक्वल टू सपोज कर लिया और ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड तो dy ओवर dx साइन इनवर्स x क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x रूट x का होल स्क्वायर। फिर करेंगे हम d ओवर dx x रूट x का। अब देखिए dy ओवर dx 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का हो जाएगा स्क्वायर x स्क्वायर और रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब और इसको लिखते हैं हम रूट एक्स, रूट एक्स होता है एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स, जब मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड करती हैं तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 तो ये 2 बन जाए 2 और 1 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2। तो इसको ले सकते हैं हम देखिए d ओवर डी एक्स और x की पावर 3y। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम तो dy ओवर डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब पावर के जोड़ें करेंगे हम 3y 2 x की पावर
थ्री वाई टू माइनस वन, तो डी वाई ओवर डी एक्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स क्यूब और थ्री वाई टू, टू वन जै टू, थ्री वन जै टू क्या वन बाई टू, फिर एक्स की पावर वन बाई टू गया, तो एलसीएम लेंगे तो टू वन जै टू और थ्री टू गया तो वन बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई ओवर डी एक्स थ्री वाई टू इंटू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स क्यूब इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन अंडर रूट टू एक्स प्लस के सेवन। तो इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसको हम वाई इज इक्वल टू मान सकते हैं, तो इसमें यू अपॉन वी रूट अप्लाई हो जाएगा, कौन सा रूट, यू अपॉन वी रूट। देखिए डी वाई और डी एक्स ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो डी वाई ओवर डी एक्स और हम यू अपॉन वी रूट लगाएंगे, तो पहले इसका डेरिवेटिव कॉस इनवर्स एक्स अपॉन टू का डेरिवेटिव इनटू 2x प्लस 7, इसके बाद माइनस इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 7 की पावर 1 बाई टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाई टू और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट घट जाएगा, तो टू एक्स प्लस सेवन आ जाएगा। अब देखिए पहले हम कॉस इनवर्स एक्स का करते हैं डेरिवेटिव, तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स होता है माइनस के वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस के वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा इंटू अंडर रूट टू एक्स प्लस सेवन माइनस, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो पहले पावर के अकॉर्डिंग करेंगे हम वन बाई टू तो टू एक्स प्लस सेवन और इसकी पावर माइनस के वन बाई टू, फिर ब्रैकेट का करेंगे तो 2x का 2 आ जाएगा 7 का 0 हो जाएगा इनटू कॉस इनवर्स x अपॉन 2 और अपॉन में 2x प्लस 7 हो जाएगा। इसके बाद देखिए dy और dx dy और dx क्या हो जाएगा, फोर लेंगे एलसीएम तो ये फोर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में फोर, ये फोर का स्क्वायर लेंगे तो टू हो जाएगा, तो टू ऊपर पहुंच जाएगा हमारा ये माइनस के टू अपॉन अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इनटू टू एक्स प्लस सेवन, इस टू से टू कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस के वन अपॉन अंडर रूट टू एक्स प्लस सेवन हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा इंटू कॉस इनवर्स एक्स और अपॉन में आ जाएगा टू एक्स प्लस सेवन, फिर टू एक्स प्लस सेवन एलसीएम मिलेंगे यहाँ पर, तो फिर डी वाई और डी एक्स डी वाई और डी एक्स
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पहले इसको ले लेते हैं हम टू इंटू टू एक्स प्लस सेवन अपॉन अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई टू अपॉन अंडर रूट टू एक्स प्लस सेवन। और ये हमने अपॉन में टू एक्स प्लस सेवन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स। तो इसका हमें देखिए डेरिवेटिव करना है। अभी इसका डेरिवेटिव इस फॉर्म में करते हैं तो थोड़ा टफ होगा। पहले हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सिंपलिस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या करते हैं, सिंपलिस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सिंपलिस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स है, इस सबको हम कॉट की फॉर्म बना दें। तो देखिए पहले अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स वाई टू इंटू कॉस एक्स वाई टू। और जैसे वन होता है हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस की कॉस स्क्वायर एक्स, तो वन को भी हम साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए अंडर रूट वन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू। और साइन एक्स को क्या लिखते हैं हम, टू साइन एक्स अपॉन टू इंटू कॉस एक्स अपॉन टू लिखते हैं। अब देखो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस के यानी साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर एक्स वाई टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी। तो ये फॉर्म हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स को लिखते हैं हम अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। और इसका लेना है स्क्वायर रूट, तो क्या रहेगा कॉस एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू। तो देखिए इसकी जगह पर लिख सकते हैं हम कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू। तो कॉट इनवर्स इसकी जगह रहेंगे हम कॉस एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू प्लस, और ये हमारा अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स है। तो सिमिलरली यहाँ प्लस की जगह क्या रहेगा माइनस साइन, तो क्या रहेगा कॉस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू अपॉन अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स सेम। तो इसकी जगह भी हम कॉस एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू लिखते हैं। और अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स इसकी जगह पर भी हम कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू लिखेंगे। माइनस पहले से है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस के कॉस एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू हो जाएगा। देखिए अब देखिए क्या करते हैं हम, ये प्लस साइन एक्स वाई टू है और ये माइनस साइन एक्स वाई टू है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन है सेम है इसीलिए। इसी प्रकार ये कॉस एक्स वाई टू है और ये माइनस कॉस एक्स वाई टू है, तो इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, कॉट इनवर्स कॉस एक्स वाई टू और कॉस एक्स वाई टू क्या हो गया टू कॉस एक्स वाई टू, और ये साइन एक्स वाई टू और साइन एक्स वाई टू ये क्या होता टू साइन एक्स वाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा
और कॉस एक्स वाई टू साइन एक्स वाई टू क्या होता है, कॉट एक्स वाई टू। तो ये हो गया हमारा कॉट इनवर्स कॉट एक्स वाई टू, और ये कॉट इनवर्स है, ये कॉट है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वाई इज इक्वल टू एक्स वाई टू, फिर ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो डी वाई और डी एक्स, और एक्स का करेंगे तो वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन बाई टू। इसका जो डेरिवेटिव आ गया कितना आ गया, वन बाई टू। तो क्वेश्चन नंबर सेवन, लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स, तो इसका हमको डेरिवेटिव करना है। हेलो स्टूडेंट, देखिए तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स, तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, देखिए लॉग y और ये हो जाएगा लॉग m की पावर n, तो n लॉग m, ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स। अब ऑन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग वाई करेंगे हम, तो वन अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर आपका यू इंटू वीरो लग जाएगा, तो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग का करेंगे तो वन अपॉन लॉग एक्स हो जाएगा इंटू लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का भी करेंगे तो इंटू वन अपॉन एक्स आ जाएगा। दोबारा से देखिए, log x का वन अपॉन एक्स हो गया इंटू log log x हो गया, प्लस इस log का किया मैंने तो वन अपॉन log x आ गया, इस log x के अकॉर्डिंग किया था मैंने वन अपॉन x आ गया इंटू log x हो गया, तो इस log x से इस log x को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो dy वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू वाई इधर आ जाएगा, और ये हो गया आपका log log x upon x plus 1 upon x, यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो dy over dx y की होगी log x और इसकी पावर log x, और log log x plus 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया हमारा डी वाई ओवर डी एक्स। क्वेश्चन नंबर एट, कॉस ब्रैकेट में ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, अब इसका डेरिवेटिव करना है हमको, तो पहले हमने वाई इज इक्वल टू मान लिया कॉस ब्रैकेट में ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पहले कॉस के अकॉर्डिंग करेंगे, तो ये माइनस की साइन और ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स हो जाएगा, उसके बाद हम डेरिवेटिव करते हैं ब्रैकेट के अकॉर्डिंग, डी ओवर डी एक्स ए कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस के साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और कॉस एक्स को माइनस के साइन एक्स ए साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो बी कॉस एक्स,
ये हो गया डेरिवेटिव। क्वेश्चन नाइन देखिए, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स इसकी पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको आपको डेरिवेटिव करना है क्योंकि वाई इज इक्वल टू मान लेंगे हम, लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स। अब ऑन टेकिंग लॉ ऑफ बोथ साइड, ऑन टेकिंग लॉ both side, so dy over dx on taking log both side, so log y is equal to ये log m की पावर m हो जाएगा, तो n log m होता है, तो ये साइन x माइनस के cos x और log साइन x माइनस cos x, log y करेंगे 1 upon y dy over dx और ये sin x minus k cos x और log x तो रहेगा 1 upon x, तो ये sin x minus k cos x। फिर करते हैं हम sin x का, तो cos x और cos x का माइनस साइन x, तो प्लस साइन x प्लस, अभी हमने क्या किया डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हम log y का 1 upon y हो गया, y का dy over dx हो गया, साइन x माइनस cos x का मल्टीप्लाई log के अकॉर्डिंग किया, तो 1 upon साइन x माइनस cos x आ गया, साइन x का cos x हो गया, cos x का माइनस साइन x हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई log साइन x माइनस cos x का मल्टीप्लाई और इसका डेरिवेटिव, तो साइन x का हो जाएगा cos x और cos x का माइनस साइन x, माइनस करने से तो प्लस के साइन x जाएगा, ये साइन x माइनस cos x ये कैंसिल हो जाएंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स। अब देखिए cos x प्लस के sin x दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले सकते हैं हम, dy वाई ओवर डी एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगी sin x माइनस cos x और इसकी पावर sin x माइनस cos x। अब ये कॉमन ले सकते हैं हम cos x प्लस के sin x, cos x प्लस के साइन x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 प्लस log साइन x माइनस cos x, तो ये आ गया हमारा dy ओवर dx। तो क्वेश्चन नंबर 10, x की पावर x प्लस x की पावर a और a की पावर x प्लस a की पावर a, इसका हमको डेरिवेटिव करना है, लेकिन सब हम अलग अलग पार्ट से कुछ कर लेते हैं, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, इसको w मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, इन सब को अलग करेंगे हम सब कुछ। तो देखिए हमें फिर dy और dx फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा देखिए डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा, इसको मैंने यू माना तो डी यू ओवर डी एक्स फाइंड करना होगा, इसको मैंने वी माना तो इसके लिए डी यू ओवर डी एक्स फाइंड करना होगा, इसको डब्लू माना तो डी डब्लू ओवर डी एक्स फाइंड करना होगा, और इसको मैंने जेड माना तो इसको डी जेड ओवर डी एक्स फाइंड करना होगा।
सबसे पहले फाइंड करते हैं एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव। तो इसको मैंने यू सपोज किया था, तो यू इज इक्वल टू हो गया एक्स की पावर एक्स। तो ऑन टेकिंग लॉ बोथ साइड, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग यू इज इक्वल टू रहेगा एक्स लॉग एक्स। लॉग यू का क्या हो जाएगा, वन अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स। यहाँ हमारा यू इंटू वी रूल हो जाएगा, एक्स का वर्ग रहेगा लॉग एक्स प्लस एक्स और लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा कट जाएगा। तो डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू यू और ये लॉग एक्स प्लस एक्स। तो डी यू ओवर डी एक्स यू कितना है, एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वन। अब देखिए इसको हम वी इज इक्वल टू मान लेंगे, वी इज इक्वल टू एक्स की पावर टू। फिर ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग वी इज इक्वल टू हो जाएगा ए लॉग एक्स लॉग वी वन अपॉन वी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स। फिर हम लॉग एक्स का करते हैं ए का करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, डी वी ओवर डी एक्स वी और ए अपॉन एक्स, और वी की वैल्यू क्या है हमारी एक्स की पावर ए। तो डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर ए और ए अपॉन एक्स। इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक्स की पावर ए इंटू ए और एक्स की पावर माइनस वन। तो डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई में बेस से मुझे पावर ऐड होती हैं तो एक्स की पावर ए माइनस वन इंटू ए हो जाएगा। इसके बाद करते हैं हम ए की पावर एक्स, और ये क्या माना था हमें डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू ए की पावर एक्स। तो डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स और ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए। बात करते हैं हम जेड की, जेड इक्वल टू ए की पावर ए। तो देखिए इसका डी जेड ओवर डी एक्स निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू, तो जीरो आएगा, क्या आएगा जीरो। तो हमारा जो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या था, डी यू ओवर डी एक्स, और डी यू ओवर डी एक्स क्या हमारा एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स और वन प्लस लॉग एक्स। उसके बाद क्या डी वी ओवर डी एक्स, और डी वी ओवर डी एक्स क्या हमारा प्लस एक्स की पावर ए माइनस वन इंटू ए। फिर क्या है डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स, फिर क्या हमारा ए की पावर एक्स लॉग ई रेस। फिर क्या हमारा डी जेड ओवर डी एक्स को क्या है जीरो। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस की थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री की पावर एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसको वाई इज इक्वल टू मान लिया, और इसको हम यू मान लेंगे, इसको वी मान लेंगे, ये यू सपोज कर लेंगे और इसको वी। जब हम डी वाई और डी एक्स फाइंड करेंगे तो हमें सबसे पहले डी यू ओवर डी एक्स, डी यू ओवर डी एक्स
प्लस डी वी ओवर डी एक्स फाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने u इज इक्वल टू सपोज किया एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो ऑन टेकिंग लॉ बोथ साइड, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये लॉग u हो जाएगा, ये लॉग m की पावर n, n लॉग m हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस के 3 और ये लॉग x हो जाएगा। तो ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो हम लॉग u का करेंगे तो 1 अपॉन u और ये डी यू ओवर डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हमारा u इंटू जीरो लगेगा। तो इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा माइनस थ्री का जीरो हो जाएगा इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का मल्टीप्लाई और लॉग x का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो डी यू ओवर डी एक्स जो होगा हमारा u इधर आ जाएगा और ये 2x यहाँ भी आंसर भेजते हैं हम, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन x आ जाएगा। तो डी यू ओवर डी एक्स, u की वैल्यू लगा दीजिए x की पावर x स्क्वायर माइनस थ्री और ये 2x स्क्वायर इंटू लॉग x प्लस x स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन x हो जाएगा। अब देखिए इसको v मान लेते हैं, ये हमने v इज इक्वल टू माना था x माइनस थ्री की पावर x स्क्वायर। ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log v इज इक्वल टू रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू log x माइनस थ्री, log v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू log x माइनस थ्री। फिर ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो लॉग वी का 1 अपॉन वी डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा इंटू लॉग एक्स माइनस के 3 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई और लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3। एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा। डी वी ओवर डी एक्स, तो वी इधर आ जाएगा और ये 2x इंटू लॉग एक्स माइनस के 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 हो जाएगा। तो डी वी ओवर डी एक्स और वी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 3 और ये एक्स स्क्वायर और ये 2x इंटू लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री। लेकिन हमको फाइंड करना था डी वाई ओवर डी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स किसके अलावा डी यू ओवर डी एक्स, और डी यू ओवर डी एक्स बनाया था हमारा एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस के 3 और ये 2x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 3 अपॉन एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स, और डी वी ओवर डी एक्स बनाया हमारा एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और ये 2x लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री।
तो ये हमारा dy ओवर dx।